आपकी टीम के पांच लोगों के सपने आपको पता होने चाहिए, आपकी टीम के पांच लोगों की मुसीबतें आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर आपको बता देता हूं, रिलेशनशिप मैटर अ लॉट। आप टाइम मत खराब करिएगा, ये तीन क्वालिटीज कम से कम चाहिए आपको इस बिजनेस में महान बनने के लिए। नंबर वन, रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैं हमेशा से बोलता हूं, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेशन प्लान, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए कोई चीज लगती है तो वो है रिलेशनशिप। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की, बिजनेस प्लान से ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की, आपकी स्किल जो आप में टैलेंट है ना मेरे दोस्त, उससे ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की, अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की। अगर आप में रिलेशनशिप बिल्ड करने का हुनर नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में महान लीडर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आप दुनिया में महान नेता नहीं बन सकते अगर आप में रिलेशनशिप बिल्ड करने का हुनर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, लोगों को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। लोगों को हमेशा खुद में इंटरेस्ट होता है, आपकी कमाई में इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात। लोग चाहते हैं कोई हमारे सपनों के बारे में बात करे, लोग चाहते हैं कोई हमारे गोल्स के बारे में बात करे, लोग चाहते हैं कि कोई हमारी तकलीफों के बारे में हमसे बात करे, लोग चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में बात करे। लीडर्स का एक काम है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करना उनको आना चाहिए। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अपने 20, 21, 22 साल के करियर के अंदर मैंने एक बात देखी है, मैंने एक बात नोट करी है, मैंने रियलाइज किया है कि जिन लीडर्स की रिलेशनशिप उनके टॉप लीडर्स के साथ अच्छी होती है वो लोग बहुत ग्रो करते हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप उनके टॉप लीडर्स के साथ अच्छा होता है वो ग्रो करते हैं, और जिन लीडर्स का रिलेशनशिप नीचे वालों के साथ अच्छा नहीं होता वो काबिल ही क्यों ना हो ग्रो नहीं करते। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़। आप 5% पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वालिटी डेवलप करना मेरे दोस्त, अपने नीचे वाले के साथ रिश्ता बना के रखना बस, राइट। रिश्ता कैसे डेवलप होता है? रिश्ता डेवलप होता है सवाल पूछकर। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, कैसे बनाए? आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछें। क्या सवाल पूछें? अपनी डाउनलाइन से सवाल पूछें कि तू जिंदगी में क्या करना, तेरा क्या सपना है। तुम्हारी टीम के जो टॉप पांच लोग हैं ना, मैं कहता हूं टॉप फाइव, ऑलवेज आइडेंटिफाई टॉप फाइव। भीड़ में काम कभी मत करो, कभी होता भी नहीं है। ऑलवेज आइडेंटिफाई टॉप फाइव। आपकी टीम के पांच लोगों के गोल्स आपको पता होने चाहिए, आपकी टीम के पांच लोगों के सपने आपको पता होने चाहिए, आपकी टीम के पांच लोगों की मुसीबतें आपको पता होनी चाहिए, आपकी टीम के पांच लोगों के बारे में आपको वो सब पता होना चाहिए जो उन पांच लोगों को पता है। ज्यादा भीड़ भाड़ में काम करने का प्रयास मत करना, पांच पकड़ लो मेरे दोस्त टॉप फाइव, और उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाओ कि वो तुम्हारे लिए जीने मरने के लिए तैयार हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, लोग आपको छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे, लोग आपको छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे। कोई वेस्टेज को छोड़ के नहीं जाता है। लोग अपने लोगों के साथ दुखी हो जाते हैं कि साले तेरे साथ नहीं करूंगा बस। मैं फिर आपको बता देता हूं, रिलेशनशिप मैटर अ लॉट। पैसा नहीं आएगा ना, फिर भी आदमी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा अगर उससे आपका संबंध बहुत शानदार है। वो कहेगा भूखा मर जाऊंगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा साला कहीं, अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ। प्रयास करिए कि आपके टॉप पांच लोगों के साथ संबंध आपके बेहद शानदार हो। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ऊपर लिखा है गांधी कनेक्ट्स विद पीपल। महात्मा गांधी 1915 में वकालत करके पहुंच लौटे ब्रिटेन से। जो आदमी 1915 में वकील रहा हो, अल्लू पल्लू लल्लू तो नहीं हो सकता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ और चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन असल में 110 कंट्रीज ऐसी हैं जहां महात्मा गांधी की आज भी मूर्तियां लगी हैं। 110 कंट्री के लोग महात्मा गांधी को मानते हैं। वो अलग बात है कि व्हाट्सएप पे बैठा एक नालायक आदमी उसको गाली दे रहा है,
जिसके अकाउंट में 2000 रुपए भी नहीं है, राइट, उसको नहीं छोड़ते, उस टॉपिक पे, उस विषय पे नहीं जाते अपन लोग। 1915 में ब्रिटेन से, लंदन से पास हुआ एक आदमी जो वकील था, बैरिस्टर था, उसने ऊपर के कपड़े छोड़ दिए। वो चाहता था कि मैं लोगों से कनेक्ट करूं। उस दौर के अंदर हिंदुस्तान में कपड़ा नहीं था, पैसा नहीं था, भुखमरी थी। वो कहता था कि मैं सिर्फ उतना ही अंग ढकूंगा जिससे इज्जत बची रहे, ताकि ये बता सकूं कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। मुझे वकील मत समझो, मुझे बड़ा आदमी मत समझो, मुझे ये मत समझो कि मैं बहुत दूर का आदमी हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे ही तरह हूं। जब गांधी ने ऐसा करना शुरू किया तो लोगों ने गांधी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। मैं हमेशा कहता हूं, उस दौर में ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना लिंक्डइन था। गांधी भाषण दे रहे हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि वो गांधी के साथ कनेक्ट करते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 20 साल की कहानी सुनाने के पीछे मेरा क्या मंशा है जानते हैं? ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट करें कि हमारी ही तरह है। जब आप मार्केट में यह बोलते हो ना, मैं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, लोग छोड़ देते हैं। जब मैं बार बार बोलता हूं अपनी स्पीच में कि मैं भी लल्लू हूं, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, तो आप क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। क्यों लोग सोनू शर्मा से कनेक्ट करते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारी ही तरह का लॉन्ड्री।